और इस बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दे, 15 लाख का इनामी नक्सली जिदन गुड़िया मारा गया है। इनामी नक्सली जिदन गुड़िया के शव के पास से AK-47 भी बरामद हुआ है। तो कोयंसर जंगल की पहाड़ी पर मुठभेड़ में मारा गया है जिदन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पिछले 4 दिनों से लगातार सर्च अभियान चल रहा था और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहले FI के सब जोनल कमांडर के पद पर था जिदन गुड़िया, और आपको बता दें कि तलाश थी और आज सफलता मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, फिर FI ने पहले फायरिंग की थी। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। फिर FI के सब जोनल कमांडर के पद पर था जिदन, और आपको बता दें खूंटी चाईबासा गुमला सिमडेगा रांची में था जिदन का दबदबा। सुप्रीमो दिनेश गोप के बाद संगठन का रीढ़ वो बना हुआ था जिदन, जहां PLFI के सब जोनल कमांडर के पद पर वो तैनात था। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये पद होता है, और जिदन गुड़िया खूंटी चाईबासा गुमला सिमडेगा रांची इन सब जगहों पर उसका दबदबा था। ऐसे में काफी दिनों से उसकी तलाश थी, हालांकि उसके मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से कमर जरूर टूटी है इनकी, लेकिन फिर भी आगे सर्च ऑपरेशन जो है, कॉम्बिंग जो है, वो लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं रांची से। जी, और इस खबर की पुष्टि खुद SP ने की है। अब देखना होगा कि इसके बाद और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ और इसके बाद रणनीति बनाई जाएगी। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता कामरान फोन लाइन से जुड़ चुके। कामरान, कहा जा सकता है बहुत बड़ी सफलता, आप समझ सकते हैं 4 दिनों से लगातार पुलिस ये अभियान चला रही थी। जानना चाहेंगे आगे और पुलिस की क्या कुछ इसके बाद रणनीति होगी। अंजी, देखिए, यकीनन एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इलाके में जिदन गुड़िया लगातार मौजूद है, तो फिर उसकी घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही थी, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, और आज जब जो जिदन गुड़िया का दस्ता है उसके साथ फायरिंग हुई और फायरिंग एक्सचेंज हुई, साफ तौर पर सबसे पहले नक्सलियों की तरफ से गोली चलाई गई, तो जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसने जो PLFI का 15 लाख का इनामी नक्सली है जिदन गुड़िया वो मारा गया, तो यकीनन एक पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। क्योंकि अगर PLFI संगठन की बात करें तो संगठन में जिदन गुड़िया जो है वो दूसरे सबसे मजबूत पोस्ट पर था, जो सुप्रीमो दिनेश गोप है, उसके बाद जिदन गुड़िया की ही जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी नक्सली संगठन को चलाने की, और अगर जब नक्सली संगठन चलाते हुए जिदन गुड़िया। कामरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहे आप ZBH झारखंड के साथ। नमस्कार।